हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। तो आज मैं अपने टेरेस के ऊपर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पांस यू आर गिविंग टू ऑल माय वीडियोस। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये वीडियो है M30S के बारे में अगेन। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया फ़ोन और आप एक मिड सेगमेंट में फ़ोन तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है। जल्दी से इसे अभी बाय कर लें। क्यों बाय कर लें? तो मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं इस पर बहुत सारे, और मैंने प्ले लिस्ट पर और कार्ड्स पर दे दिए हैं आपके लिए, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं एंड ज़रूर बाय करें। क्योंकि इससे बेहतरीन फ़ोन 2019 में सैमसंग की तरफ से मिड सेगमेंट में नहीं आया है। तो जो जो भी मेरे भाई लोग, मेरे फ्रेंड्स अभी तक सोच में पड़े हुए हैं कि M30S को लिया जाए या ना लिया जाए, इसकी जो बदनामी कर रखी है लोगों ने, तो उन सबको मैंने क्लियर कर रखा है। और भाई साहब, अगर आपके पास ये फ़ोन है तो और लोगों की हेल्प करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। कमेंट्स में लिख दिए आपको प्रॉब्लम है इससे नहीं, और आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे कमेंट्स के ऊपर। जितने मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने सब प्लेलिस्ट बना रखी है M30S के ऊपर, आप जाके चेक करें। कार्ड्स के ऊपर भी है, एंड स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेक करें, कमेंट्स पढ़ें। 200-200 कमेंट आया हुआ है मेरे पास वीडियोज़ के ऊपर, और उन 200 में से सिर्फ दो लोग ऐसे होंगे जो गलत, या दो या चार, बाकी 80-90% लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाया है अपडेट को लेके। अपडेट की बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि जो नया अपडेट हो रहा है एंड्रॉयड 10 का, वो फ्लैगशिप फ़ोन्स के सैमसंग के ऊपर आ चुका है, M30S पे आएगा कि नहीं आएगा, तो कब आएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, और एक दो बातें और लूँगा M30S को लेके, जो आपके मन में चल रहा है, वो क्वेश्चन जो चल रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वैसे बिना उन क्वेश्चन के आंसर दिए मैं आपको बता रहा हूँ, M30S इज बेस्ट, अभी फ़ोन लीजिए। और एक बात बता दूं, मुझे किसी सैमसंग ने मुझे पैसे नहीं दे रखे हैं इस फ़ोन, इस वीडियो को बनाने के लिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रहा हूँ, क्योंकि ये है ड्रोन टेक डॉक्टर चैनल। तो इसका मतलब क्या है, आई एम ए डॉक्टर और ड्रोन्स मुझे पसंद है, तो ड्रोन्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, रेगुलेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और टेक वो है जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, उसमें मोबाइल भी आते हैं, शेवर्स भी आते हैं, ट्रिमर्स भी आते हैं, जो भी टेक यूज़ मैं करता हूँ। जियो का मैंने फाइबर लगवाया है, उसके ऊपर मेरी वीडियो वायरल है। तो जो भी टेक से रिलेटेड चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को और जो जो इस चैनल पर आ रहे हैं ऑडियंस, उनको हेल्प मिल जाए। इवन आई ऑल्सो लव ऑडियो गैजेट्स, तो काफ़ी स्पीकर्स और हेडफोन्स मैं यूज़ करता रहता हूँ, बदलता रहता हूँ, अपग्रेड करता रहता हूँ, और इस पर वीडियो डालता रहता हूँ। तो इनमें से आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो का थीम था, एंड्रॉयड अपडेट एंड्रॉयड 10, इस पर कब आएगा? तो फ्रेंड्स, पहली क्वेश्चन बता दूँ कि इस पर 100% आएगा, ये अनाउंस कर दिया है। फ्लैगशिप फ़ोन में पहले आ रहा है, अब आप फ्लैगशिप फ़ोन में नहीं हैं, आप हैं मिड सेगमेंट में, तो मिड सेगमेंट का थोड़ा सा आपको नुकसान यही होगा कि अपडेट आएगी लेकिन थोड़ी सी लेट आएगी। तो इसका अपडेट आने वाला है जनवरी के एंड में मोस्ट प्रॉबली, या जनवरी के मिडल में आ जाएगा, दोनों में से एक चॉइसेस हैं। तो जब भी आएगा तो फिकर नॉट, आएगा ज़रूर, और उसमें क्या क्या खास है वो आप बन रहे वीडियो के साथ, तो मैं इसको एक्सप्लोर करके आपको शेयर कर दूंगा, और बेस्ट चीज़ें जो उसमें अपग्रेड हुई हैं या आई हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें आपके लिए क्या क्या अच्छा आया है नई अपडेट में। और ये निश्चित हो जाएं कि M30S पे अपडेट आएगा या नहीं, अपडेट ज़रूर आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन जब भी आएगा आपके लिए आएगा, और हम आपके लिए बैठे हैं आपको बताने के लिए कि क्या क्या उसमें खास होगा। और एक मेरे को अभी आइडिया है कि काफ़ी लोग पहले डिमांड कर रहे थे कि इसके अंदर, जैसे कईयों को ज़रूरत होती है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फीचर नहीं था जो इसके फ्लैगशिप फ़ोन में आता है, तो वो चीज़ मैंने इसमें, अब इसमें जब अपडेट होगी तो वो आ जाएगी। तो ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हमें मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होती है या कुछ करना होगा उन्होंने रिकॉर्ड, तो वो फीचर इसमें अभी था नहीं, आपको बाहर से ऐप करना पड़ता था डाउनलोड, तो वो अब इसमें अवेलेबल होगा अपडेट के बाद, ये मुझे अभी पता है। बाकी जो अलग फीचर्स इसमें एक्चुअल में यूज़फुल आएंगे, वो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा जब भी अपडेट आएगी। तो बन रहे इस चैनल के साथ, अगर आपके सैमसंग M30S है तो डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। बाकी एक A50S की बात हो रही थी, इसके मुकाबले में A50S कैसा है, तो उसमें भी थोड़ा सा कैमरे में इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू A50। मैं A50 और M30S का कंपेरिजन वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। तो एज़ कम्पेयर टू A50S भी, पाजी आपकी रिक्वेस्ट थी, एज़ कम्पेयर टू A50S भी M30S इज़ मच बेटर, क्योंकि इसमें आपको बैटरी अच्छी मिलती है,
कैमरा दोनों का ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और वही टच आईडी का उसमें स्क्रीन के अंदर होगा, इसके अंदर पीछे है, तो वो भी इतना मैटर नहीं करता। तो आई विल सजेस्ट अगेन अगेंस्ट A50s ऑल्सो कि M30s इज़ ए बेटर चॉइस बिकॉज इट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन, बिकॉज इट इज़ एट अवेलेबल एट 13-14,000 एंड इट विल गिव यू इतनी अच्छी बैटरी, सुपर OLED डिस्प्ले, सो इट इज़ बेटर। और लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैं लेने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेटवर्क का आपको है तो इशू मैंने बना दिया, कोई नेटवर्क का इशू नहीं है इसमें। हीटिंग का इशू लोग कह रहे थे, हीटिंग का इशू में इशू आता है, तो हीटिंग का मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। हीटिंग होना जनरल है, बहुत कॉमन चीज़ है किसी भी मशीन में, वो तब होता है जब आप उसको उसकी नॉर्मल कंडीशन से अगेंस्ट कंडीशन में उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है और वहाँ पर आप इंटरनेट चला रहे हैं और हैवी टाइप मतलब गेम खेलने लग गए हैं जिसमें अपलोड्स हो रही हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो उसमें उसका प्रोसेसर का ज़्यादा यूज़ होगा, तो डेफिनेटली वो गर्म होगा, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे और सोच रहे हैं कि ये फ़ोन लेना चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे वीडियोस प्रूफ हैं आपके सामने, कमेंट्स प्रूफ हैं आपके सामने, और इस वीडियो पे भी जो कमेंट आएंगे वो भी आपके लिए प्रूफ बन जाएंगे कि ये फ़ोन किफ़ायती है, वैल्यू फॉर मनी है, ज़रूर बाय करें। होप आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग M30s या और कोई चीज़, एक सब्सक्राइबर हमारे से पूछ रहे थे कि इसको हम काले को गोरा बना सकते हैं एडिटिंग करके, तो भाई मेरे काला या गोरा सब बराबर हैं, आपको अपने आप को चेंज नहीं करना या किसी को चेंज करके नहीं दिखाना, ये मेरा मैसेज है आपके लिए पर्सनली। बाकी एडिटिंग हर तरह से पॉसिबल है, हर एक फ़ोन पे पॉसिबल है, गोरा काला चिट्टा लाल पीला नीला जैसे मर्जी बना लो अपनी अब शक्ल को, लेकिन शक्ल मैटर नहीं करती, अक्ल मैटर करती है, ये ध्यान रखना बात। तो एक सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रही थी कि इसमें मैं सांवले से गोरा बना सकता हूँ, तो वो वीडियो बनाएं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं डेमो दूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वैसे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बराबर हैं, ओके। तो ये एक मैसेज था मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच, कीप हियर, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज काफ़ी लोग चाहते हैं ये फ़ोन लेना और नेगेटिविटी की वजह से सोच में पड़े हुए हैं, उससे ही उनकी सोच ठीक होगी और वो फ़ोन दिल तसल्ली से ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस से। थैंक यू।